प्रवेश द्वार है और सभी भक्तजन लाइन में। यहाँ से हम अंदर जाएंगे भी। बीच और सामने देखिए आपको सुंदर सुंदर पहाड़ों पर घर दिखाई दे रहे होंगे। सामने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और पहाड़ों पर घर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग पहुंच गए जहां पर हमने जाना था। तो अभी देखिए चारों तरफ से आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी। तो यहां पर लगा है मेला, ये कौन सी जगह है अभी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे क्या क्या होता है वो सब हम आपको बताएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो यहां पार्किंग। तो देखिए अभी हम कहां पर आए हैं, देखिए चारों तरफ आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी काफी। देखिए सामने एक कपड़े की दुकान है और दो तो अभी हम आए हुए हैं आज एक नई ट्रिप में। तो अभी हम लोग आए हैं फ्रेंड कोट भामरी। देखिए सामने काफी भीड़ है, यहाँ पर हर साल मेला लगता है। आज अष्टमी के मां नंदा सुनंदा का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कोट भामरी का मंदिर है, देखिए सामने एंट्रेंस है, ये गेट है। देखिए जय माँ भगवती जय नागनाथ बाबा लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसी गेट से अब अंदर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर को काफी दुकानें लगी हुई हैं आपको। और अभी बजे हैं सुबह के 9। तो ये आपका गरुड़ मार्ग की ओर बन है ये मंदिर जो है कोट भामरी का। गर्मा गर्म जलेबी आइसक्रीम। तो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी हम मंदिर के मार्ग पे हैं, मंदिर की ओर चल रहे हैं, कोई रास्ते में है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आए हुए हैं कोट भामरी का मंदिर है, यहाँ मानंदा सुनंदा का आज यहाँ पर को मेला होता है। देखिए सारी बाजार सज चुकी है, बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं। देखिए तो अभी हम चल रहे हैं, सड़क से थोड़ी चलना पड़ता है माता के मंदिर जाने पर। चलिए आपको भी दिखाते हैं माँ नंदा सुनंदा के दर्शन आपको भी कराएंगे। माँ नंदा सुनंदा आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आप जब कभी यहाँ पर आए तो माँ नंदा सुनंदा के दर्शन अवश्य करें। ओ फ्रेंड थक गए हैं, काफी चढ़ाई है। कांच रही बच्चों के बगैर दर्द के मंदिर वाले कांच नहीं। तो यहाँ पर को नाक कान भी छिले जा रहे हैं सामने। आपको मंदिर के लिए जो भी चाहिए वो आपको सामने मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर चुनरी है, फ्रूट है, बतासे हैं। सामने नागनाथ स्वामी का मंदिर है ये कोट भामरी। हम लोग अभी रास्ते पर हैं, यहाँ पर ये मंदिर पड़ रहा है। तो अभी हम चढ़ रहे हैं। तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, मैं यहाँ पर 2-3 साल पहले आया था लेकिन अभी काफी चेंज हो गया है। तेरा बेटा भी अस्पताल बन गया, तेरा सोचा काम नशा पूर्ण हो जाए, तू तो बड़े लक्की कर्म आ रही है भगवान। तो अभी हम लोग ले रहे हैं
मैया के लिए वो ले लेते हैं, नारियल ले लेते हैं और चुनरी वगैरह, नारियल चुनरी। सामने भैया बैठे हैं, भैया के यहाँ से ले लेते हैं। ये प्रसाद है भैया, अगरबत्ती यहाँ जलाने का होगा। अच्छा, धूप नहीं है अगर देखिए यहाँ से सामान ले लेते हैं। क्या कितना? 125। तो चलिए सामान वामान ले लिया है मंदिर के लिए, आप चलते हैं मंदिर। काफ़ी दुकानें हैं खाने पीने की, तो पहले मंदिर की पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद खाने पीने का सोचेंगे। गर्मी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये प्रवेश द्वार है माता के मंदिर का, तो देखिए सामने गेट और यहीं से सारे लोग अंदर जाते हैं। देखिए सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, कई लोग खड़े हुए हैं। माता के मंदिर का बोर्ड है और सामने आपको शिव चालीसा लिखी हुई दिखाई देगी। सभी प्रिय कृषि विभाग का स्टॉल है और देखिए यहाँ पर को स्टॉल भी लगाए हुए हैं, कई विभागों ने, सरकारी विभागों ने यहाँ पर को स्टॉल लगाए हैं। देखिए सामने समाज कल्याण का स्टॉल है और ये खाद्य विभाग, उद्यान एवं खाद्य विभाग वालों का है। देखिए जो बागेश्वर में उत्तरायणी के मेले पर स्टॉल लगाए जाते हैं वो यहाँ पर। तो अभी हम भी रास्ते में हैं तो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। देखिए पीछे भीड़ भाड़ है काफी है, तो सामने देखिए मंदिर, यहाँ से हम अंदर जाएंगे भी। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर, हम पहुंच गए हैं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, सभी लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर। सामने सब मंदिर की घंटी है, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। देखिए ये है माता का दरबार, देखिए घंटियों से भरा मंदिर। मंदिर है, मंदिर की विशाल घंटी, माँ भगवती का मंदिर है कोट ग्रामीण का। देखिए अभी लाइन लगी है, चलिए हम भी चलते हैं मंदिर की पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड लाइन में लग गए हैं, देखिए काफ़ी भीड़ है अभी, तो फिलहाल थोड़ी कम है लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे मंदिर में, इसके बाद और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो अभी लाइन में लग गए हैं। देखिए हमारा कब तक नंबर आता है, अभी थोड़ी देर बाद शायद नंबर आ जाएगा, उसके बाद दर्शन कर लेंगे। उसके बाद देखिए सामने मंदिर का प्रारंभ है, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी पूजा पाठ वगैरह करवा रहे हैं। काफ़ी पंडित जी लोग आए हैं यहाँ पर, और लाइन लंबी है, सामने घंटियों का अंबार लगा हुआ है क्योंकि तो यहाँ पर जिसकी भी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है तो घंटी वगैरह चढ़ाते हैं। तो सभी लोग पूजा पाठ कराने में व्यस्त। तो सभी लोग व्यस्त हैं पूजा पाठ वगैरह कराने में, तो फ्रेंड
हमारे हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है माँ कोट धामली माता का। यहाँ पर नंदा माता का देवी का मंदिर है और सामने गेट है। देखिए यहीं से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर का दृश्य तो हम आपको नहीं दिखा सके क्योंकि मना कर रहे थे पुजारी जी के अंदर कैमरा लाना अलाउड नहीं है, तो हम कैमरा अंदर नहीं देखे। तो देखिए बाहर ये गेट सामने गेट से लोग अंदर जा रहे हैं और दर्शन करके यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो हमने तो दर्शन कर लिए, हमारे दर्शन हो गए, तो अब हम जरा मंदिर घूम लेते हैं। देखिए सामने पंडित जी मिल गए थे तो हमने टीका वगैरह लगवा लिया था क्योंकि हमने टीका नहीं लगाया था। तो पंडित जी बोल रहे थे कि आप टीका लगा लो और उसके बाद हाथ में कलेबा बांधा। देखिए सामने अंदर ये प्रवेश द्वार है, सामने प्रवेश द्वार है और सभी भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए हम सभी लोग लाइन में लगे हुए हम लोगों ने तो अपने दर्शन कर तो मंदिर का दर्शन हो गए। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी लेकिन दर्शन हो गया आसानी से। तो आप चलते हैं कुछ अभी हम खड़े मंदिर के परिसर के बाहर और देखिए दूर दूर तक आपको भक्तों की लंबी लाइन दिखाई दी। देखिए चलिए अब आप हमको यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। देखिए अभी भी भीड़ लगी हुई है। अभी हम मंदिर के सबसे ऊंचे फ्लोर पर खड़े हुए हैं और सामने देखिए खूबसूरत नीला आसमान और हरी भरी वादियाँ, गरुड़ की हरी भरी वादियाँ। तो देखिए खूबसूरत दृश्य और हम यहाँ पर आए थे माता के दर्शन करने। सामने हमें भगवान भोलेनाथ मिल गए। तो ये एक स्टूडेंट है जो भगवान भोलेनाथ की गेटअप में है क्योंकि यहाँ पर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी चल रहे हैं। शायद इसका भी प्रोग्राम था और अब प्रोग्राम के करके बाद ही यहाँ बैठ गई। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की आपको बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो ऊपर वाले सबसे जो ऊपर वाली 3rd फ्लोर है उसकी छत पर देखिए यहाँ पर कई लोग खड़े हैं। सभी लोग यहाँ से खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। सामने पहाड़ और सामने देखिए आकाश आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सफ़ेद ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान को अभी हम उछलेंगे और आसमान को छू लेंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो आप जब कभी यहाँ आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देखिए सामने मंदिर की छत है, मैया की मंदिर की छत है और देखिए खूबसूरत लोकेशन और खूबसूरत जगह आकाश ऐसा लग रहा कि जैसे हम अभी उछलेंगे और आकाश को छू लेंगे। अब लग गई है भूख, सुबह से घर से निकले हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ को एक लोहे का बड़ा सा दंड टाइप का कोई वस्तु है जिसे सभी लोग माना जाता है कि जो व्यक्ति उसे उठा लेता है वो ताकतवर माना जाता है। देखिए सभी लोग अपनी ताकत का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उठा रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं। देखिए काफ़ी भारी है, लोहे का है, ठोस लोहे का है और जो भी युवा बच्चे वगैरह जो उसे उठा सक रहा है वो उसे उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं। देखिए हम तो फ्रेंड अब चलते हैं घर की ओर, काफ़ी घूम लिया है तो अब हम घर की ओर चलते हैं।
अभी आपको दिखाते हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखिए अभी ये घंटी है, सभी लोग इसे बजा रहे हैं और अभी हम आए हैं देखिए यहीं को प्रांगण, यहीं जो फील्ड है मंदिर का जो फील्ड है यहाँ पर को सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। देखिए काफ़ी भीड़ है, काफ़ी कुमाऊनी वगैरह गाने चल रहे हैं यहाँ पर को। तो हम भी आए थे, थोड़ी देर हमने भी देखा, फिर हम वापस लौट गए। तो घर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए डांस की कोई उम्र नहीं होती है, बस आप में जोश और जुनून होना चाहिए। देखिए सामने एक लेडी डांस कर रही है। तो हमने देखा सामने एक लेडी अखरोट बेच रही थी, तो हम गए उसके पास खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास थैला नहीं था जिसमें वो हमको अखरोट देती। तो हम फिर वापस आ गए, हमने उससे कहा भी कि आप थैला ले आइए और उसमें दे दीजिए हमें अखरोट, पर उसके बाद थैला था नहीं तो हमने नहीं लिए क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं था, हम रखते कि इसमें अखरोट को, तो हम चल दिए। आगे कराओ ना भाई, भाई खजूर घाटी के ट्रांसपोर्ट मालिक लोग इनको आगे कराओ, कब बीच में मत मारो प्लीज, इनको आगे बैठाओ ना। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आगे बढ़ा बाबा, आगे बढ़ा बाबा जी, भगवान के भक्त हैं हमारे, सभी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे परमात्मा हैं। आगे बढ़िया, कहाँ जा रहे भाई? आप उधर से करा बच्चों को, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उधर से नीचे निकलो, गर्मी काफी है तो हमने खाई है बटर स्कॉच, पर हम दिखा भी रहे को लेकिन मेल्ट हो गई है क्योंकि गर्मी काफी है, भैया के यहाँ लाइट नहीं थी, तो चलिए इसको खाते हैं और साथ का आनंद लेते हैं। तो हमारी सब्सक्राइबर के लिए अगर आप भी मेले में आए तो ये जरूर खाइए क्योंकि तो गर्मी काफी है, ये आपके लिए हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए। तो भाई ये दस रुपए क्रीम आइसक्रीम को 10 रुपए, और आपको खाऊंगा बेटे, डेढ़ सौ वाले 100 रुपए।
हिमालय 30 लगा दे क्या? तो हम मेले में अभी घूम ही रहे थे। देखिए सामने बच्चों के लिए काफ़ी आइटम आया था, बच्चों को काफ़ी झूला आया था, सामने मिकी माउस आया था और भी झूले थे और ट्रैम्पलिंग था जिसमें बच्चे कूद रहे थे और मौसम भी काफ़ी सुहावना था। तो हम तो बैठे नहीं झूले में क्योंकि सब झूले छोटे थे, तो हम लोग ने थोड़ा देखा घूमा फिरा तो हम फिर आ गए नीचे की ओर। तो क्योंकि गर्मी काफ़ी थी क्योंकि दिन के टाइम काफ़ी गर्मी हुई थी, धूप काफ़ी तेज लग रही थी, तो हम फिर आज वापस आ गए। तो हमने ख़रीदा तो कुछ नहीं क्यों, तो अब चलते हैं घर की ओर, अपनी बाइक ढूंढ रहे हैं और सीधे घर की ओर चलते हैं हम। आपको तो फ्रेंड अभी हम वापस लौट रहे थे मंदिर से, तो रास्ते में थोड़ी देर हम लोग एक खूबसूरत जगह पर बैठ गए, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था आपको बैठना। तो फ्रेंड बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा।